राम राम। और कैलाश भाई का हालचाल चल रहा है? सब बढ़िया बढ़िया। कैलाश भाई अपने काकड़ा वाकड़ा लगा दिया कि नहीं लगाया? हाँ लगा दिया। काकड़ा लगे दिया पर यार वो जनावर खूब काट रहा, काई करनो के समझ में नहीं आता है। वो बरका छाती रे दवाई का की अपन जेनो को पूछा। हां ठीक है ना। चलो अपन एक खेत में जन देखा होगा। हां चलो। राम राम प्रकाश भाई। राम राम भाई। और चलेगा? और यार हां तो तुम्हारे यहां भी कसारीन काटी रही ना? हां काटी रही ना। तो हमारे यहां भी काटी रही थी यार कसारीन, पर मन तो अभी नीम तेल लाए यार। हां जाईकन ब्लॉक से नीम तेल लाया, तो नीम तेल 70 ml नाके का और काम में थोड़ा सा शैम्पू नाके का एक फेट ले आऊंगा, क्योंकि असो सीधो तो नकाई गई नहीं, पंप मन चलेगा नहीं, नहीं चलेगा नहीं। तो एक अपन 70 ml नाके का और वो काम शैम्पू नाके का घोल बना। ये दवा बताई पर काम काई काई डालू काई काई लगेगा? चलो भैया तुमने अच्छी बात पूछी, यो थे अपनो नीम तेल है ने, ओका बाद में अपन ले एक डब्बो है ने नाप शैम्पू को पाउच और यो डंडो फेटना कर लिए और यो पंप अपनो है ने। ये सामग्री तुमने बताई पण घोल कसो बनावनो? अच्छा एको घोल कसो बनावनो? ये देखो अभी हम छाटी रो तो छाटी ना आई रो ना बेको घोल पचो बने रो तो हम तुमको बताई दियो है ने। बस एक अपन एक आम लेवांगा 70 ml। ये 70 ml नाखी दियो एकाम। 70 ml नाकना के बाद में काम शैम्पू नाकांगा। ये शैम्पू क्यों डाले? शैम्पू एकाले डालियो कि भाई ये जो नीम तेल जो छेक नी यो जाड़ो आवाज ये अपनी नोजल कब चोक कर देगा, अपना पंप कब चोक कर देगा। शैम्पू नाकांगा तो शैम्पू से यो नीम तेल जो छेक नी यो पतलो हो जाएगा, तो अपनी नोजल मसी अच्छो निकल जाएगा, अपना पंप नी जाम होएगा। बस एका लेना अपन एक काम शैम्पू नाकांग। हाँ भाई एक इनी तरीका से अच्छो फेटी लेनो, फेटना के बाद में एक अपन ने पूरा पंप में डाली लेनो और पूरा पंप डालना के बाद में भी एक चक्कर हलाई देनो, तो हलावना से एक मेक हो जाए। और मिक्स करना का बाद में एक पंप में नाकी लियो है ने। पंप में नाकना के बाद में अपन ने 5 लीटर पानी ऊपर से ले लियो, 10 लीटर तो नाकेलो छे, 5 लीटर पानी और ऊपर से ले लियो। चलो पंप में नाक दे अपन घोल, घोल नाकना का बाद में कई छे का अपन को अच्छो हलाई लियो और नाकी दियो और यो 15 लीटर पानी में 75 ml नीम तेल और एक शैम्पू को पाउच नाकी कर घोल बनाई कम्प्लीट कर लियो और छाटनो चालू कर दियो। देख भाई तूने पूछी तो अच्छी बात पूछी। भाई देखो अपन एक दुकान से जो लावा जो केमिकल वाली दवा रहे और यो आयुर्वेदिक छे, एक अपन नाकांगा तो जो मतलब काटने वाला कीड़ा छे वो दूर भागी जाएगा और जो अपनी फसल का फायदो देना वाला जो कीड़ा छे वो कीड़ा भी अपना सुरक्षित रहेगा, तो एक तरह से एक अपनी बाउंड्री भी जाएगा फसल की और फसल का जो नुकसान देने वाला कीड़ा छे वो कीड़ा दूर भागी जाएगा और जो फायदामंद कीड़ा छे वो कीड़ा बची जाएगा। तो एकासे जो अपन रासायनिक दवान लावा ओकासे तो नीम तेल बढ़िया छे, तो नीम तेल का छे आयुर्वेदिक चीज छे और आयुर्वेदिक चीज भाई धीरे असर करेगा लेकिन लंबा टाइम तक रहेगा और अच्छे फायदा की चीज छे। देख भाई एक छाटना के लिए अपन नीम तेल का छाटा तो हफ्ता भर में छाटी सका है ने, ज्यादा कीड़ा देखा है तो हफ्ता भर में छाट दिया, थोड़ा कम कीड़ा देखा है तो अपन 15 दिन में छाट दिया और अपना की पौधे एकदम सुरक्षित छे तो अपन 1 महीना का अंतराल से भी एक छाटी सका। ठीक ठीक। और रेगुलर छाटी सका सो कोई जरूरी नहीं है कि यार अभी छाटी दियो तो और कोई दूसरी दवा लाइन छाटना पड़ेगा, असो कोई जरूरी नहीं है, एक अपन भले 15 दिन 20 दिन या महीना भर का अंतराल से अपन एक छाटी सका। ये तो बहुत अच्छी बात है पण यार मिलक का? देख भाई तूने ये बात पूछी अच्छी बात छे, नीम तेल तो दुकान पर मिली जाए और दुकान पर अपन अगर नहीं मिला तो अपनो कृषि विभाग में जाओ आराम से और कृषि विभाग में जाकर अपन कहो कि भाई हमको नीम तेल चाहिए तो तुमको वो दुकान से भी सस्ता रेट में और अच्छो नीम तेल अपन कृषि विभाग में कृषि अधिकारी से बात कर लियो
तो तुमको दे देगा, तत्काल दे देगा। असो कही ये नहीं रही तो है कि यार तुमको ऑर्डर देना पड़ेगा और ये तत्काल तुरंत फुरत मिल जाएगा, ले आओ और लईका ने छाटो तो फायदा रहेगा। छाटना को तुमने बता दी, काम सावधानी का ही रखना पड़े। देख भाई सावधानी यह रहेगा कि जैसे नीम तेल छे वो अपन डायरेक्ट टंकी में नहीं नाखनो, वो का पहले ले लेनो और शैम्पू द्वारा अच्छो फेटी लेनो है ने, और फेटी लेनो और देखी लेनो कि यार भाई हवा आई सी चली रही था, अपन असो नहीं है कि यार असाज फेंक्या करा भाई, जय आई सी हवा चली रही तो अपन आई सी छाटने लगे जानो, तो वो भाई हवा का भाव में अपना ऊपर नहीं आना चाहिए भाई, नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे पंप गैस में भाई आँख न भी जला ये मुंह में नहीं जानू चाहिए, और अपने मतलब सुरक्षा अपन ने करी लेनो और होगा बाद में छाटनो तो असो छाटनो कि हवा की विपरीत दिशा में असो नहीं कि यार जलेंगे से हवा आ बोलेंगे अपन दन दिन मच के रहा तो अपना ऊपर आओगा आँख न मचाएगा तो थोड़ा नुकसान करा जियो। तुमने बताओ याद अच्छी बात है यार, बहुत दिन से परेशान सो थोली मूली डाल रो तो कहीं पर वकाश फर्क नहीं पड़े, जीवा भाई ने अच्छो बताई दिया यार हूँ गाड़ी बटो तो मका यार चीज तुम भी छाटो और कोई और दूसरा आदमी परेशान हो तो कब बताओ भाई यार यह चीज तुम थूली उली मत डालो और नीम तेल डालो तो एक तुम्हारो फायदो है। सभी किसान भाई नगर राम राम, मारा नाम प्रकाश मुलेवा, ग्राम बिलवाणी, तहसील राजपुर, जिला बड़वाणी, और भाई हूँ नीम तेल को उपयोग करी रोज मारा खेत में और हूँ कीड़ा नसी मारा खेत की सुरक्षा करी रोज, और सभी भाई नसी हूँ हाथ जोड़ी ने अनुरोध करूँ कि सभी भाई अपना खेत में नीम तेल डाले और ओका से अपना खेत की मतलब कीड़ा नसी सुरक्षा करे। यो जो छेक नी नीम तेल अपन का आसानी से मिल जाए, सस्तो भी पड़े और फायदामंद भी है। जैसे रासायनिक दवा लावा तो रासायनिक दवा नसी कही है कि अपन का नुकसान हो और फसल में अपन छाटा तो जो अपना फायदामंद कीड़ा जो है वो कीड़ा न का नुकसान दे, तो यो कही है अपन का भी नुकसान नहीं दे, अपना फायदामंद जो कीड़ा है मित्र कीड़ा है उनका नुकसान नहीं दे और अपना जो खेत में कीड़ा आ रहा है उनका कीड़ा नसी सुरक्षा यो करज। सभी भाई ने कहा मारो यूज करनू छे कि भाई नीम तेल लाओ और डालो, सस्तो सुंदर और अच्छो छे, और सभी भाई ने कहा राम राम।